जो लोग सोच रहे हैं कंपीट करने का, जिनका बॉडी बिल्डिंग पैशन है, जो बॉडी बना रहे और इतना पैसा डाल रहे, सब कर रहे, तो वो लोग के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात हो गई है। सुबह सुबह गरम पानी, नहीं ये गरम पानी नहीं है, इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो उनका बढ़ जाता है, और 210 तो भाई 210 200 के ऊपर जो है वो तो आजकल नॉर्मल हो गया। किसी भी बंदे को उठा के चेक कर लो, सबका इतना ही मिलेगा। जंक फूड खाता हो, घर का खाता हो, क्या खाता हो, इतना ही मिलने वाला है, बिकॉज खाने में मिलावट ही इतनी है। आजकल जो आ रहा है प्रोसेस्ड ही आ रहा है बहुत सारा चीजें, और पता नहीं क्या चल रहा है। अपने को क्या है, अपन से प्रिकॉशन लेने का, सुबह सुबह गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर ले लो और पी जाओ, और साथ में अगर लहसुन और थोड़ा सा अदरक खा सकते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा और मेंटेन रहेगा। बट ये देसी नुस्खा है, देसी रामबाड़ इलाज है भाई। मैंने किया है, मैं सालों से कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। जबकि मैं डाइट कर रहा था तब भी, डाइट नहीं कर रहा था तब भी, मैं लिपिड कराते रहता हूँ बीच बीच में चेक करने के लिए भाई कि अपना LDL LDL सब कैसा है, बराबर है या नहीं। तो अभी अपना तो एकदम परफेक्टली, एकदम बोलते ना नॉर्मल चल रहा है, कोई टेंशन की बात है नहीं। पीते रहो सुबह सुबह खाली पेट। अभी अपना भी प्रेप एक नंबर चल रहा है, एक हफ्ता हो गया कट डाउन पे, कार्डियो अपना इंटेंस चल रहा है और रात में वर्कआउट भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अपने वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है अभी सिर्फ खाने के ऊपर, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज 3 दिन यहाँ पे दिखती रहती है, 3 दिन नहीं रहती है, मम्मी के इधर रहती है क्योंकि ऑफिस जाना उसको वहां से ज्यादा आसान पड़ता है, यहाँ से बस का प्रॉब्लम है। तो 3 दिन अपना खाना होता है अच्छे से क्योंकि वो रहती है, तो थोड़ा प्रिपरेशन में हेल्प हो जाता है, वरना भाई आलसी मानूस, क्या खाओ क्या नहीं खाओ, सब्जी लाए तो काटेगा कौन, ऐसा कर करके बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो बहुत सारा मिस हो जाता है। तो उसी को बस थोड़ा सा डिसिप्लिन मिलाना है, बाकी अपन सेट है, अच्छा खासा भी हो रहा है फैट लॉस, टेंशन नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी। और अपन सुबह जो कर रहे हैं अभी कार्डियो में, इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी है, मैंने बॉक्सिंग चालू कर दी है। पहले अपना कार्डियो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आधा घंटा बॉक्सिंग करता हूँ, जब चैन निकल जाती है तब जाके अपन एप्स मार के निकल जाते हैं। तो अभी वही कर रहा हूँ मैं, तैयारी करके यहाँ से निकलता हूँ। तो फिलहाल अभी मेरा स्टमक कुछ ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है, और थोड़े बहुत समझ रहे दिख रहा है साइड से। मेरी तकलीफ ये नहीं है, मेरी तकलीफ है ये जाती नहीं है, कमी नहीं, पर इसको जाने के लिए भी बहुत टाइम है। तो ये धीरे धीरे जाएगा। अभी तो सिर्फ 1 वीक हुआ है, अभी लाइट सड़ी हुई है तो इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऊपर से लाइट गिरती तो शायद आज भी दिख जाते क्योंकि भाई बॉडी बिल्डिंग सिर्फ लाइटिंग का गेम है भाई। अभी जरा अपना सामान पैक करते हैं और जिम के लिए निकलते हैं, क्योंकि अपने को करने का 1 से 1.25 घंटा कार्डियो। तो अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने एक चीज चालू की है, बिकॉज जो मेरी वर्कआउट इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और मुझे दिन में 2 टाइम ऐसी इंटेंसिटी दिखानी पड़ती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई प्री वर्कआउट लेते हैं। अब प्री वर्कआउट में जो चीज आपको चाहिए उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, बट आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसमें से चूज करो आपको क्या चाहिए, आप वही पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेकर भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं एज इट इज का बीटा एलेनिन में यूज करो एलेनाइन। अभी ये बीटा एलेनाइन जो है ये आपने वर्ड बहुत जगह सुना रहेगा, जैसे कि प्री वर्कआउट में ये बहुत ज्यादा मशहूर है, इससे आपको वो टिंगली वाली फीलिंग आती है, इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो जबरदस्त हो जाती है, आपके वर्कआउट में परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाती है, और इसको मोस्टली सारे एथलीट्स प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो उनकी इंटेंसिटी रहती है वर्कआउट की, जो उनकी ट्रेनिंग की, वो बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत जल्दी ज्यादा डिप्लीट भी हो जाते हैं, और वो जल्दी डिप्लीट ना हो इसलिए वो बीटा एलेनाइन कंज्यूम करते हैं। अब मेरे केस में भी यही हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह एम्प्टी स्टमक जा रहा हूँ और मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। मुझे भी प्री वर्कआउट में कुछ ऐसा चाहिए था जिससे मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाए, मुझे जल्दी से मुझे थकावट ना हो और मेरा वर्कआउट आधे में रह जाए। इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज है, आप जाकर भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है। अब ये बीटा एलेनाइन काम कैसे करता है, देखो पहली चीज तो अगर मैं लेमन भाषा में समझाऊँ तो आपके बॉडी में एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जो कि आपको बाहर से डालने पड़ते हैं, वो उसमें से एक ये है। जब आप बीटा एलेनाइन डालते हो तो ये हिस्टिडाइन करके, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके साथ मिलकर कार्नोसिन लेवल बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, कार्नोसिन आपके पीएच लेवल को बढ़ा देता है, उससे आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है, उससे आपकी जो ATPs है वो फटाफट जनरेट होती रहती है। तो ज्यादा ATP मतलब ज्यादा आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से पानी में एक स्कूप बीटा एलेनिन, जो कि है 2 से 2.5 ग्राम, मैं ले लेता हूँ,
शेक करो एकदम से घुल जाएगा और मतलब टेस्टलेस है तो आपको ऑब्वियसली कुछ पता भी नहीं चलेगा, बट 15 से 20 मिनट के बाद में आपको टिंगली टिंगली फीलिंग आना चालू हो जाएगी, मतलब इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब इसको पी के मुझे निकलना है वर्कआउट के लिए, तो 15 मिनट में मुझे जिम भी पहुंचना है। कोई टेस्ट नहीं, अगर आप एथलीट हो या फिर आप ज़्यादा कार्डियो करते हो या ऐसा कुछ तो आप ये सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर चेकआउट करो एज इट इज़ का बीटा एलानाइन। और एक्स्ट्रा 5% के लिए आपको पता है क्या डालना है नीचे, वसीम्स एज इट इज़। अगर अभी कूपन कोड डालोगे तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बट ओनली ऑन एज इट इज़ की वेबसाइट पर। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपको थोड़ी सी खुजली खुजली टाइप हो सकती है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, जो प्री वर्कआउट पीते हैं उनको पता है। तो अभी मैं निकलता हूं यहां से, मैं भाई मेरे को बहुत लेट हो गया। अरे बाप, हालत ख़राब हो गई। इतना भागा है जितना भागा, कंटिन्यूस मैं अराउंड 6-7 मिनट भागा रहूँगा। अब मेरे वेट के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा भाग लिया, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे राइट वाले पैर में थोड़ा सा पेन हो रहा है, मतलब दुख रहा है। नहीं चले जाएगा शाम तक तो, बट कल शायद से सोर नहीं सा सकता है, आई डोंट नो, बट देखते हैं। बट बहुत ज़्यादा कार्डियो किया, स्टिंकिंग घर का तो फ्रेश होता हूँ। चलो फाइनली अपना काम निपटा के अभी थोड़ा फ्री हुआ और अभी मुझे जाना है एक्चुअली मेरे दोस्त के पास। मेरा दोस्त अब्बास, उसका खुद का एक ट्यूशन है, क्लासेस है द लर्निंग हब के नाम से, जो साइंस और इंजीनियरिंग सब कुछ पढ़ाते हैं। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं, एक्चुअली मेरे लिए तो नहीं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मेरे भतीजे के लिए, मोहम्मद के लिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आने के बाद उसने साइंस लिया है, उसने मतलब सब जगह लिस्ट डाल दी है, अभी लिस्ट आई नहीं है, जैसे एक दो दिन में आ जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। और उसने करियर जो ऑप्शन चूज़ किया वो साइंस है, वहाँ से इसके भी बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी कर सकता है, इंजीनियरिंग एंड ऑल, तो उसके ऊपर है वो क्या करना चाहता है। बट फिलहाल अगर साइंस ले लिया है तो साइंस का 11th और कॉमर्स के 11th में बहुत ज़्यादा फर्क है। कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले बहुत ज्यादा मजे करते हैं कॉलेज लाइफ एकदम, और वहीं साइंस वाले बेचारे कॉलेज चालू होने से पहले पढ़ाई करना पड़ता है उनको। यस, तो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 11th साइंस की, तो इसको डेमो लेक्चर बैठ के देखना है कि कैसा पढ़ाते हैं, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वहीं पे लर्निंग हब में एडमिशन ले लेगा। तो उसके लिए मैं अभी लेकर जा रहा हूँ उसको वहाँ पे। चले चले destination is on the right. तो मतलब कंप्यूटर साइंस किसी और कौन सा होता है? कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज है, हर वोकेशनल कोर्स में देखो मार्क्स आराम से मिलेंगे। तो अगर कंप्यूटर साइंस नहीं लेंगे तो जो मुझे बनना है वो उसके लिए मतलब कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तू तेरा PCM पढ़ता है बस अच्छे से। देख सब लिखा है वहाँ पे, ऑल्सो BMM सब कुछ है वहाँ पे भी। कैसा तेरा फर्स्ट इम्प्रेशन? अच्छा है, जाएगा इधर अभी लेक्चर बैठना बाकी है ना, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए, आधा घंटा और बाकी है, तो आ जाना चलते चलते फिर घर पे, पक्का रिक्शा पकड़ के आएगा। तो मोहम्मद को छोड़ दिया, अभी जो देखेगा अब्बास देखेगा मोहम्मद का, सब देख लेंगे बिल्कुल। अगले 2 साल तुम्हारे हवाले, उसके आगे भी इंशाल्लाह तुम्हारे हवाले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देख लो, बच्चा पढ़ने आया, पढ़ के जाएगा, खाली आज जाने वाला नहीं है। क्या बाजू में क्या किधर लिया रे, आवाज़ नहीं आता क्या अंदर? नहीं आता बच्चे को अंदर, खाली अपनी आवाज़ आती, टीचर्स की आवाज़ आती, उसको अपनी सुनते हो लोग। चलो निकलो भाई, मैं भी निकल रहा हूँ, भाई जा रहे लेक्चर देने, मैं भी जा रहा हूँ घर से। ये लो घर पहुँचा और लाइट चली गई। क्या यार, मतलब कुछ काम था मुझे और लाइट चली गई, लैपटॉप पे मुझे काम था, अभी देखता हूँ चार्जिंग है या नहीं, मुझे कोई पता नहीं, आइडिया नहीं है, पर इतने अंधेरे में मैं कैसे बैठूंगा। चलो चार्जिंग है, अपना काम तो हो जाएगा एटलीस्ट, पर जो घर के काम है उसका क्या, जैसे कपड़े धोने डाले थे वो तो नहीं धुलेंगे अब लग रहा है, पता नहीं कितनी देर में आएगी, आ जाएगी तो अच्छी बात है। तो लाइट सिर्फ मेरी नहीं गई, पूरे घर की गई है, यहाँ भी लाइट नहीं है, नीचे भी नहीं है, पूरे मोहल्ले की चली गई, अभी ये पता नहीं लाइट कब आएगी। ठीक है, ऐसे ही शूट कर लेते हैं। तो अब्बास के पास जाने का बहुत बड़ा फायदा हुआ हम लोगों को, मोहम्मद के बहुत सारे डाउट्स थे, वो बहुत सारे जो डाउट्स थे करियर को लेके वो सॉल्व हो गए, थोड़े से इश्यूज थे, मतलब
कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसने सिंपल सिंपल सा आंसर दे दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे उसका गोल है कॉस्मोलॉजी करना है, थोड़ा हटके है स्ट्रीम, तो हम लोग भी सोच रहे थे भाई क्या है कॉस्मोलॉजी क्या नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो अब्बास ने सीधे सीधे बताया कि क्या लेना है, आपको बीएससी फिजिक्स लेना है और उसके आगे क्या क्या करना है, सब उसने समझाया एक्सप्लेन किया, तो बहुत सारे डाउट्स जो थे सारे क्लियर हो गए। और उसके बाद में उसको समझाया बैठा के कि भाई देख ऐसा ऐसा होगा, इतनी इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉमर्स से आर्ट्स से साइंस कितना डिफिकल्ट है, 11th 12th वो भी इसको समझा दिया गया है, बच्चा समझ गया। तो ये तो सिर्फ 11th 12th की बात है, इसके बाद तो आगे बहुत है। खैर अभी जो मुझे एक चीज सता रही है दो तीन दिन से वो ये है कि हाल ही में कॉम्पिटिशन हुआ था शेरू क्लासिक करके दिल्ली में, उसका बहुत बड़ा ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया। अब ये कॉन्ट्रोवर्सी उनकी डिसीजन के ऊपर है, मतलब बहुत सारा ऐसा है कि जो डिसीजन थे वो फेयर नहीं थे। जैसे कि मेंस फिजिक प्रो था, प्रो डिवीजन था, उसमें गोची हुआ ऐसा लोग बोल रहे हैं, और जो एमेचर वाला था जहाँ प्रो कार्ड मिलना चाहिए था वहाँ भी गोची हुआ, क्लासिक फिजिक में भी हुआ है और भी चीजों में हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे जो एथलीट्स है जो वीडियो बना रहे और बहुत सारे लोग है जो वीडियो बना रहे और ये सब चीजों के बारे में एक्सपोज जो चल रहा है। खैर उसके बारे में तो अपने को पता नहीं है भाई कि क्या है सही है क्या गलत है, क्योंकि अपन ना जज है, अपन ना कोई जजिंग करते है। बट कुछ क्लिप्स मैंने देखी जहां मुझे ऐसे खुद को लग रहा था कि भाई ये सब चीज सही नहीं है। जो फर्स्ट प्लेस था वो मेरे हिसाब से तो थर्ड या फोर्थ भी डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि वो लाइनअप में जो थर्ड था वो फर्स्ट लग रहा था, या सेकंड फर्स्ट होना चाहिए था, या तो सेकंड ही होना चाहिए, बट पीछे वाले को आगे करके आगे वाले को पीछे करना चाहिए था उसमें, तो ऐसा थोड़ा मुझे भी लगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे जैसे जो लोग सोच रहे हैं कम्पीट करने का, जिनका बॉडी बिल्डिंग पैशन है, जो बॉडी बना रहे और इतना पैसा डाल रहे सब कर रहे, तो वो लोग के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात हो गई है। क्योंकि अगर यही सब चलता रहेगा तो भाई जो डिजर्विंग अगर बंदा होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ भी पता नहीं है अभी तक, मेरी बॉडी अभी तक तो 50% भी खुल के बाहर नहीं आई है, तो मुझे पता नहीं मेरी एंड जो फिजिक होगी वो क्या निकलेगी, कि मैं स्टेज पे जाने लायक रहूंगा भी नहीं रहूंगा, आई डोंट नो, बट जाएंगे तो जरूर एक बार, और कौन सा शो खेल रहा हूं अब तक मुझे वो भी नहीं पता है। बोलने का मतलब ये है कि भाई अगर ऐसा ही है तो क्या वर्थ है खेलना, कि आप साल भर मेहनत करो और जब आप ऐसा लगोगे कि भाई स्टेज पे आके आप डिजर्विंग हो तो आपको साइड कर दिया जाएगा, आपको कोने में डाल दिया जाएगा और बाद में इग्नोर करके आपको किस मतलब स्टेज से बाहर ही कर देगा, किसी और बंदे को जिता देंगे, यही सब चल रहा है फिलहाल। ये है कि भाई अभी जब अपन कम्पीट करने जा रहे हैं तो अपना भी थोड़ा सा तो अंदर से थोड़ी सी ऐसा बोलते हैं ना हो रही है कि क्या भाई अपन जब जाएंगे तो कहाँ जाए, कौन सा शो खेलूँ कौन सा नहीं खेलूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अगर मैं करूँगा तो मेरे वेट डिविजन में शायद क्या फेयर डिसीजन होगा नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा ये रिजल्ट्स देख के मैं भी टेंशन में हूँ, सर भी टेंशन में है, आसिफ भी टेंशन में है, क्योंकि आसिफ तो खुद शेरू क्लासिक की तैयारी कर रहा था मुंबई के लिए, तो हम लोग सोच ही रहे क्या करना है, मेरा तो कोई शो डिसाइड नहीं है। मुझे ऐसा है कि भाई मेरे को ऐसा प्रो कार्ड वो कार्ड का तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अपने को मिलने से रहा, क्योंकि इसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है भाई, कुछ 6 महीने में ऐसा सीधा प्रो कार्ड तो लेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कम से कम 3-4 साल लगाने पड़ेंगे भाई इसके पीछे कंटिन्यूस, साल भर ऑफ सीजन देखे फिर कट डाउन, ऑफ सीजन देखे फिर कट डाउन, शो पे शो खेलना पड़ेगा आपको मेच्योरिटी लाने के लिए वो बॉडी, तब जाकर आप रेडी होगे उस लेवल के लिए। तो अपना ड्रीम है एक बार बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे आना, तो अपन सिर्फ वही करने वाले, अब कौन सा रहेगा, छोटा शो रहेगा बड़ा शो रहेगा आई डोंट नो, बट वही कुछ करेंगे, ऐसे ही कुछ करने वाले। अभी मुझे एडिट करना था और लाइट चली गई है, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एडिट करके वीडियो अपलोड करना है और 1 घंटा हो चुका है अब तक लाइट नहीं आई। तो फाइनली वो पार्ट शूट करने के बाद थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, अभी वीडियो इतना लंबा हो चुका है तो इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते, इस वीडियो को यहीं तक रखता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर चेकआउट करना है एज इट इज के प्रोडक्ट, और एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट के लिए आपको पता है क्या करना है, वसीम्स एज इट इज, ये कूपन कोड यूज करो, आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा ओनली ऑन एज इट इज की वेबसाइट पे। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।